सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या ये एरिया ये फील्ड आपके लिए है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आपको दुनिया एक्सप्लोर करने का मन करता है? यहाँ पर आपकी एकदम स्ट्रॉन्ग हाँ है। दूसरा ये कि आपको ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना और न्यू कनेक्शंस बिल्ड करना एक्साइटिंग लगता है? और क्या आप ऐसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो और आपको अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी ऑफर हो? अगर वाकई में ऐसा है तो आपको बस एक और सवाल का जवाब देना होगा और वो ये है कि क्या आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस को लर्न करना अच्छा लगता है? यानी क्या लैंग्वेज को लेकर आप इतने एक्साइटेड एंथुसियास्टिक और पैशनेट फील करते हैं कि लैंग्वेज के जरिए आप अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं? अब अगर इसका जवाब भी हाँ है तो मैं आपको कहूँगी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको ये बेस्ट करियर चॉइस मिल सकता है। शुरू करने के लिए क्या करना होगा, लेकिन आप ये भी तो जान ले कि वो कौन सी टॉप लैंग्वेजेस है जिनमें से आपको अपने लिए परफेक्ट लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। तो ऐसी टॉप लैंग्वेजेस हैं मैंड्रिन चाइनीज, स्पैनिश, पोर्टुगीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, इटालियन, कोरियन और अरेबिक एक्सेट्रा। अब कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करके आप अपने लिए परफेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लो कॉम्पिटिशन चाहिए तो आप ऐसी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जिसे लर्न करना चैलेंजिंग हो। इसका मतलब होगा कि बहुत ही कम लोग उस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होंगे और इसका फायदा जी हाँ आप उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट को ही कंसीडर करेंगे तो आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, इसलिए कंपटीशन पर नजर जरूर रखें। लेकिन इससे पहले ये चेक कर लीजिए कि आप उस लैंग्वेज को लर्न तो कर पाएंगे ना, ताकि वो आपके लिए भी बहुत टफ हो जाए। किसी भी लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप इसे चूज कर सकते हैं और इंटरेस्ट के दम पर उसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि स्पोर्ट की जरूरत तो हमेशा ही बनी रहती है। आपका बच्चों से
एक्सेंचर, विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, कुलीजा, टेक महिंद्रा और स्कवाट जैसी टॉप कंपनी ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करती है। जहाँ तक सैलरी पैकेज की बात है तो इंडिया में एक मैंडरिन चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट को एवरेज एनुअल सैलरी लगभग 11,90,000 तक मिल सकती है। फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल को 9,80,000 पर एनम और स्पेनिश प्रोफेशनल 9,80,000 का एनुअल सैलरी पैकेज ऑफर हो सकता है। इन सैलरी पैकेज में वेरिएशन भी मिल सकता है जो कैंडिडेट की एक्सपर्टीज, उसके इंस्टीट्यूट और उस कंपनी पर डिपेंड करेगा जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ, लेकिन इससे आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट को कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। और अब इसके बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में स्कोप, ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटीज की तो कोई कमी नहीं है, बस आपके एक्सपर्ट बनने की देर है। इसलिए फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग शुरू करने के साथ इस बात पर फोकस रखिएगा कि आप बेसिक को अच्छी तरह क्लियर करते जाएं और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जिसके बेसिक क्लियर है और जो प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़ें वही एक्सपर्ट बनता है। वीडियो आपको अच्छा लगा